वैसे अगर आप CSK के फैन हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, वहीं अगर आप मुंबई इंडियंस के फैन है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों में फायदा आप ही का होने वाला है। तो चलिए बात करते हैं मेन मुद्दे की। तो यहाँ पे सबसे पहले IPL 2023 का 49वां मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच शनिवार यानी आज 6 मई को CSK के होम ग्राउंड MH चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाने वाला है। इस सीजन अब तक इन दोनों ही टीमों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। चेन्नई सुपर किंग्स 10 मैचों में 11 अंक हासिल कर चुकी है, वहीं मुंबई इंडियंस 9 मैचों में 10 अंक जोड़ लिए। अगर बात करें मुंबई इंडियंस के ऑलराउंडर के तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करते हुए कैमरन ग्रीन ने अब तक सीजन में 44.33 के औसत से कुल 266 रन बनाए हुए, वह 5 विकेट भी झटक चुके हैं। तो अब आइए बात करते हैं पिच रिपोर्ट कैसे होने वाली है, क्या वहाँ पे बल्लेबाज चलेंगे या फिर बॉलर चलने वाले। तो यहाँ पे यह मुकाबला चेन्नई के MH चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। यहाँ टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करने का फैसला करती है। पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम कम से कम 170 रन बनाना चाहेगी। यहाँ पिछला मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब किंग्स के बीच खेला गया था, जिसमें चेन्नई सुपर किंग्स पहले बल्लेबाजी करते हुए स्कोरबोर्ड पर 201 रनों का टारगेट दिया था। इसके जवाब में पंजाब किंग्स ने आखिरी गेंद पर लक्ष्य हासिल करने के लिए जीत हासिल कर ली। अब आइए बात करते हैं दोनों टीमों की प्लेइंग 11 के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग चेन्नई सुपर किंग्स के प्लेइंग 11 पर नजर डालते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ऋतुराज गायकवाड़, डेवन कॉनवे, अजिंक्य रहाणे, मोइन अली, शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, महेंद्र सिंह धोनी, दीपक चहर, मथीसा पतिराना, तुषार देशपांडे और महेश तिक्षड़ा, ये आपको चेन्नई सुपर किंग्स के प्लेइंग 11 है। वहीं अगर बात करें मुंबई इंडियंस के प्लेइंग 11 के बारे में तो यहाँ पे सबसे पहले रोहित शर्मा, ईशान किशन, कैमरन ग्रीन, सूर्य कुमार यादव, टीम डेविड, तिलक वर्मा, निहाल वडेरा, अर्शद खान, पीयूष चावला और कुमार कार्तिकेय और जोफ्रा आर्चर खेलते हुए आपको दिख सकते हैं।